लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉडिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स इन दोनों फिगर्स में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस फिगर में देखिए हमें तीनों एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं और हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए पार्ट लिख लेते हैं अपना ए पार्ट है हमारा तीनों एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं राइट right? और हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री राइट right? तो मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी एंड सी तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ़ एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी हमारा कितना होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा अब एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है ए का 125 डिग्री देखिए ये दिया हुआ है बी का एक्सटीरियर एंगल एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिख लेंगे और सी एक्सटीरियर एंगल हमें 125 डिग्री दिया हुआ है तो 125 ट्वेंटी फाइव डिग्री इक्वल्स टू थ्री डिग्री हो गया अब 125 125 होता है 250 डिग्री प्लस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू थ्री डिग्री अब एक्स डिग्री कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपनी जगह रहा और 250 उधर जाके माइनस का हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई हंड्रेड टेन डिग्री तो हमें पता चल गया फर्स्ट फिगर में एक्स की वैल्यू जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू है हंड्रेड एंड टेन द आंसर लेट्स डू बी पार्ट नाउ अब बी पार्ट की फिर से नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस टी तो ये सेवेंटी डिग्री है ये एक्स डिग्री है ये ये इधर का नाइन्टी है तो इधर का क्या होगा इसी तरीके से ये अगर 90 है तो ये क्या होगा और ये 60 डिग्री यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं लेकिन एंगल आर एक्सटीरियर में नहीं दे रखा है तो वो हम निकाल लेते हैं तो एंगल आर हमें ये 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री प्लस अगर मैं कहूँ ये हमारा है वाई राइट right? 90 डिग्री और वाई को मिला के हमारा एंगल आर बन रहा है और क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं Linear, तो एंगल आर टोटल 180 डिग्री का होगा राइट 90 एज इट इज प्लस वाई तो 180 डिग्री अपनी जगह रहा 90 इधर आके माइनस का हो गया और वाई तो 90 आ गया 180 में से 90 गया तो 90 ही आ गया तो वाई की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री है अब हमने अपने इंट्रो में पढ़ा था कि सारे एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो वही करेंगे एज सम ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलिगनज इज 360 डिग्री तो सारे एक्सटीरियर एंगल ऐड कर लेते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ़ पी प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्यू प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ़ एस प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ टी कितना हुआ टोटल 360 डिग्री आएगा अब एक्सटीरियर एंगल पी का क्या कितना दे रखा है 70 डिग्री तो 70 डिग्री लिख लिया एक्सटीरियर एंगल ऑफ़ क्यू दे रखा है एक्स तो एक्स लिख लिया एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर अभी अभी हमने निकाला 90 डिग्री तो 90 लिख लिया एक्सटीरियर एंगल ऑफ एस अगर आप देखें 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल ऑफ टी इस छोटे से स्क्वायर का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री कि ये एंगल नाइन्टी डिग्री का है राइट तो हमने यहाँ एक्सटीरियर एंगल टी की वैल्यू निकली 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अब जितनी कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपस में ऐड हो जाएंगी तो 70 प्लस 90 इज 160 160 सिक्सटी प्लस सिक्सटी इज 220 एंड 220 प्लस इज 310 तो ये आ गया x प्लस 310 इक्वल्स टू डिग्री राइट तो x कितना आ जाएगा हमारा x आ गया 360 अपनी जगह और 310 उधर आ जाके माइनस का हो गया तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज़ द आंसर